धनबाद के पीएमसीएच में निरीक्षण के दौरान सूबे के स्वास्थ्य सचिव को उस वक्त गुस्सा आ गया जब वह ओपीडी में निरीक्षण कर रहे थे। इस बीच काम से निकाले गए कुछ पारामेडिकल कर्मियों ने नारेबाजी शुरू कर दी और निरीक्षण कार में बाधा डालने की कोशिश करने लगे। अचानक हुए नारेबाजी से नाराज होकर स्वास्थ्य सचिव ने हंगामा कर रहे पारामेडिकल स्टाफ को बुलाया और उनकी बातें सुनने के बाद उसे फटकार लगाई और बाहर का रास्ता दिखा दिया। स्वास्थ्य सचिव पीएमसीएच धनबाद का निरीक्षण करने के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि अस्पताल का निरीक्षण करने के बाद जो कमियां पाई गई हैं उसकी लिस्ट बन रही है, इसी आधार पर कमी दूर की जाएगी। उन्होंने कहा कि अस्पताल में दवा की कमी नहीं होगी, इसके लिए विशेष दिशा निर्देश दिए गए हैं। पीएमसीएच और एमजीएम के कमियों को दूर करने के लिए निरीक्षण किया गया। सचिव ने बताया कि धनबाद में सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सदर अस्पताल और कैथ लैब जल्द खुलेगी। इस दिशा में सरकार प्रयास कर रही है। अस्पताल खुल जाने के बाद धनबाद और उसके आसपास के लोगों को राहत मिलेगी। देखिए, हम लोग अपने दोनों जो मेडिकल कॉलेजेस हैं एमजीएम और पीएमसीएच, उनको सुदृढ़ करना चाहते हैं ताकि कम से कम इनको हम लोग रिम्स के स्टैंडर्ड के हिसाब से ला सकें। सरकार ने अभी अपॉइंटमेंट के लिए भी कार्रवाई कर ली है, अगले माह तक अपॉइंटमेंट कंप्लीट होकर लोग यहाँ ज्वाइन कर जाएंगे। लेकिन हमको सेवाओं को सुधारना भी है, उसी क्रम में हम हॉस्पिटल में जाके उसका जायजा ले रहे हैं ताकि हम लोगों को क्या क्या कमियाँ हैं, जहाँ इक्विपमेंट्स की कमी होगी वहाँ इक्विपमेंट दिए जाएंगे। और हम लोग चाहते हैं कि जो एक सामान्य कम से कम सुविधाएँ हैं पेशेंट को जो आने के बाद यहाँ मिलनी चाहिए वो जरूर मिलेगी। वहीं मीडिया के द्वारा आउटसोर्सिंग कर्मियों के भविष्य पर पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि जिन दो कंपनियों को ब्लैक लिस्टेड किया गया है उसके लिए ऐसे लोग ही जिम्मेवार हैं। पीएमसीएच की सुपर स्पेशलिटीज हॉस्पिटल बनाना, इसके लिए हमें आवश्यकता के अनुसार पदों का सृजन करना है। जिन पदों पर कर्मियों की कमी होगी उसके लिए नए पद सृजित किए जाएंगे, जबकि विस्थापितों के लिए डीसी से बात कर उन पर उचित फैसला लिया जाएगा। गौरतलब है कि महज 12 वार्ड बॉय को अब तक नियोजन दिया गया है, जबकि अस्पताल में बेडों की संख्या 560 है। इससे पूर्व लगभग 150 की संख्या में वार्ड बॉय कार्यरत थे। इतना ही नहीं, कई लैब टेक्नीशियन और ओटी असिस्टेंट को भी कार्यमुक्त कर दिया गया है। सचिव की फटकार के बाद नाराज पारामेडिकल कर्मियों ने भूख हड़ताल पर जाने की चेतावनी भी दे डाली है। नाराजगी है और अभी सेक्रेटरी आए हुए हैं, आप लोगों को कुछ आश्वासन मिला है या नहीं मिला है? हम लोग कुछ नहीं मिला है। हम लोग 2015 से हम लोग ज्वाइनिंग सबका है, उसके बाद नया एजेंसी है जो आया वो हम लोग बोल रहे कि आप लोग को जरूरत नहीं है, दूसरा नया आदमी लिया जाएगा। ठीक है, आज जो सचिव आए हैं, सचिव से बात की है तो बोल रहे आप लोग को जरूरत नहीं है, आप लोग जो करना है कीजिए। तो बताइए, हम लोग सेवा देने के बाद हम लोग को यही परिणाम मिलना था, अब क्या कीजिएगा? आप लोग क्या करें, भूख हड़ताल को उतरना पड़ेगा, क्या करेंगे? 12 वार्ड बॉय से पीएमसीएच संभल जाएगा? नहीं संभलेगा। कितने वार्ड बॉय की आवश्यकता होनी चाहिए लगभग? हम लोग मोटा मोटी थे लगभग 117 वार्ड बॉय, इमरजेंसी में थे 21 से 25 लोग। 25 लोगों का काम अब दो आदमी करवा रहा है, हर शिफ्ट में दो दो आदमी करके आए, और उतना भी जो 21 आदमी थे उतना भी कम लग रहा था हम लोग को, फिर भी मारपीट जो होता था मार खा लेते थे हम लोग। आज इतना इस तरह स्थिति आ गई कि हम लोग घर का ही ना घाट के हैं। परेशान होने की इसमें कोई बात नहीं है, यहाँ की जो दोनों आउटसोर्सिंग एजेंसीज थी वो पहले से ब्लैक लिस्ट हो चुकी है। क्या नाम है उनका? ब्लैक लिस्टेड। अच्छा, ये कोई सरकार के कर्मचारी भी नहीं? बिल्कुल, आउटसोर्सिंग एजेंसी जब ब्लैक लिस्ट हो गई तो शायद इन्हीं के कार्यकलाप के चलते ब्लैक लिस्ट हुई होगी, ये भी हमें सोचना। सबरंग समाचार के लिए धनबाद से राजीव कुमार सिंह की रिपोर्ट।